तो गाइस दीपक अभी अभी गया है और जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं आपको जो मेरा एक्चुअल डेली रूटीन है वो बताऊं, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब अगर आप लोग नए हो तो मेरा नाम है सुरभि और चैनल का नाम है इंडियन गर्ल इन यूरोप। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो। और फिर आज का डे देखो, बोर मत होना। आप ही लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा एक्चुअल दिन जानना चाहते हो। वैसे तो मेरा जो एक्चुअल दिन है वो इसी सीट पे बैठे बैठे पूरा निकल जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम होता है, वो काम कंप्लीट ही नहीं होता। दीपक जब आने वाला होता है उससे पहले मैं जल्दी से साफ सफाई करती हूँ, पर देन आपको जो एक्चुअल सीन है वो तो बताना ही है, एक्चुअल जो डे है वो तो बताना ही है। तो बी विथ मी और देखो क्या क्या होने वाला है। कोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे नाचते उड़ते हैं यार। पानी में डूबे हुए ख्वाब अल्फाजों के सितारों के कंधों पे हम नाचते Approximately 10 hours later. यू नो गाइज अभी कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। और मैं जब से काम कर रही हूँ उठी नहीं हूँ बिल्कुल भी, सब पानी लेने के लिए उठी थी। अरे क्यों लगा रखा है। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, पर मुझे अब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है तो जाना पड़ेगा। तो अगर हम कोई काम इंजॉय करते हैं तो उसमें लाइक टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है। पर दाल वाल सब ख़त्म हो गई है तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दीपक आएगा तब तक दुकान बंद हो जाएगी। और फिर मैं उस पर एक्स्ट्रा लोड भी नहीं डालना चाहती हूँ कि वो आए फिर उसको वापस जाना पड़े ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं अपना झोला उठा के कुछ कुछ सामान लेने जा रही हूँ और आके फिर से आपसे बात करूँगी। बाहर नहीं लेके जा रही आपको, क्योंकि मास्क वास्क लगाना पड़ता है बाहर और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक बॉटल्स जो हैं एम्प्टी बॉटल्स वो फेंकनी है, कचरा फेंकना है, बहुत सारा है तो हाथ में जगह नहीं है। पर मैं आके आपसे बात करती हूँ। आज का दिन तो वैसे भी मुझे आपको बताना ही है, काम कर रही थी इतनी देर से इसलिए नहीं बताया। तो जाती हूँ और आती हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है यार। ओके आ गई। आप लोग अभी तक यहीं पर हो? तो गाइस सामान तो ले आई हूँ, अब सॉर्ट आउट और कर लेती हूँ, मतलब निकाल लेती हूँ। बहुत सारा सामान आ गया। मिलता है यहाँ मुरमुरे मिलते हैं, यहाँ अदरक मिलता है, यहाँ दाल सारी मिलती है, यहाँ एक्चुअली मैं इंडियन स्टोर पर गई थी, अचार मिलता है यहाँ, दाल एक्चुअली दाल सारी खत्म हो गई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंगोज मैंगोज भी मिलते हैं। मेरा वे प्रोटीन खत्म हो गया था तो बोलो। बाकी हरी मिर्च, वेजिटेबल्स, खीरा ऐसा होता है यहाँ पर, स्वीट पोटैटोस, बनानास, टमाटोस, अनियन, टमाटोस। तो देखो मैं ये सारा सामान लाई हूँ अभी। एक्चुअली मुझे शांति अब मिली है, इसमें देखते हैं क्या है। वैसे तो मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ ओपन करने के लिए, दीपक नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो ही खोलता है। पर लड़कियों को कितना अच्छा लगता है ना, कुछ भी सामान आता है वो चाहे कुछ भी आया हो।
आई होप लड़कियाँ तो रिलेट कर पा रही होंगी इससे कि यार कुछ भी सामान आता है ऐसा लगता है खोलो इसे। मुझे लगता है मुझे कटर लेना पड़ेगा। यश स्टाइल की तरफ से मैं इनकी इन्फ्लुएंसर हूँ तो उन्होंने कुछ भेजा है। चलो चेक करते हैं क्या भेजा है इन्होंने। इंस्टा किट करके कुछ है। एक्चुअली गाइस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर। देखो इसमें लिखा है ये सारे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एक बैग है कूल सा, एक बॉय विद लव पता नहीं क्या है, ये तो शायद आई मास्क है। थैंक यू यश स्टाइल, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग कोरियन प्रोडक्ट्स। गाइस सॉरी फॉर क्लटर पर ये सारी चीज़ें आई हैं। एक कोरियन फेस मास्क हैं जिसके बहुत सारे हनी वाला बहुत सारे ये आए हैं। ये आँखों पे रात में लगा के सोने के लिए ये आया है। ये हाइलाइटर आया है, लिपस्टिक आई है, अगेन ये हाइलाइटर आया है जो बहुत ही क्यूट सा है। दिस इज़ फॉर हेयर स्टाइल, लेंस के लिए एंड लगाने के लिए। ओके दिस किट जिसे ये लोग बोल रहे हैं स्नेल चेयर्स किट का, और ये बैग पिंक कलर का, और ये नाम है इन साकेट। तो अगर आप लोगों को भी कोरियन प्रोडक्ट्स चाहिए बहुत क्यूट क्यूट से और बहुत अच्छे से, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, तो लिंक जो है वो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लेना। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है पर मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ब्रांड्स के साथ काम करने में मज़ा आता है तो नीचे है और आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दी बनाने का। अभी मैं जाके चाय रख देती हूँ क्योंकि उसका आने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, और उसके बाद चाय पीते पीते आपसे लोगों से बात करूँगी। और इस डे में एक्चुअली गाइस मैं आप देख ही रहे हो मुझे एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला है, और अभी ये आ गया है, अभी और भी कुछ पैकेजेस मेरे आने वाले हैं वो भी आने वाले हैं, पर दिस इज़ अमेजिंग लाइक कलरफुल बहुत अच्छा है। अभी इंस्टा पर स्टोरी डालती हूँ। ये कोई टाइम है आने का? यही तो टाइम है आने का। चलो हम चाय पियेंगे फिर आपसे बात करें। आज सुबह से पता नहीं क्यों इतनी तेज हवा चल रही है, भयंकर तेज। सारी खिड़कियां वगैरह बंद करी थी मैंने। अब इट्स टाइम टू गो जिम, जो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से रेगुलरली जा रही हूँ, पर ऑफ कोर्स दीपक जाएगा। देखो अब हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। आज पता नहीं कितनी हवा चल रही है, आउट टॉप में तो और हवा चल रही होगी। बहुत हवा चल रही है सुबह से। एक मिनट इसमें देखो कितनी भयंकर हवा चल रही है, पता नहीं किस खुशी में सुबह से चल रही है। ये हमारी बालकनी नहीं है, ये है फायर एग्जिट जहाँ पर हम अपनी कुर्सी लगा के बैठ गए हैं।
शाम के 8 बज रहे हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आप हमारे व्यूअर से कुछ बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि शाम के 8 बज गए और बहुत अच्छी हवा चल रही है। अच्छा लग रहा। चलो गाइस, फिर अब दीपक की शक्ल देख ही ली है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। और दिन कैसा लगा? बोरिंग लगा तो बोरिंग कर देना, और इंटरेस्टिंग लगा तो इंटरेस्टिंग, जो भी लगा वो कमेंट कर देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा कमेंट करने से अच्छा लगेगा, बुरा कमेंट करने से हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम तो ब्लर दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने वो सेटिंग कर रखी है। चतुरी। ओके गाइस, तो अब हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं और अब आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और मुझे 2 दिन में 100 लाइक्स आ गए तो मैं अपनी ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो और जोश के साथ कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय।